नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी news.com। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने सागर का महापौर का प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया। संगीता सुशील तिवारी मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सागर की महापौर की प्रत्याशी। मैडम, बहुत मुबारक आपको, भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का उम्मीदवार घोषित किया। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। किन मुद्दों जी? और मैं सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को अपने हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मैडम, किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में जा रही हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को प्राथमिकता देती है और विकास ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। सागर शहर का समुचित विकास करना और नगर निगम का ऐसा माहौल हो और ऐसी कार्यशैली हो जिसमें जो भी आए वो संतुष्ट होकर जाए, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसका काम समय पर हो और जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उसका भी समय पे जल्द से जल्द पूर्ण हो सब काम। कुछ गुटबाजी की भी खबरें पार्टी के अंदर से आ रही हैं, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, तो कैसे देखती हैं और कैसे मैनेज करेंगे अब आप? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे से नाराज़ नहीं रहता और हम सब संगठित हैं और संगठित होकर ही पूरे जोर से उत्साह से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही जीत दर्ज होगी। पूर्व विधायक कांग्रेस के सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को टिकट दिया है कांग्रेस ने, बहुत पहले दे दिया, तो क्या लगता है कि आपको जब टिकट मिला तो बाद में मिला तो चुनाव प्रचार में कुछ पिछली है या कर लेंगी? हम लोग दो चुनाव लड़ चुके हैं पहले भी और हम लोग इस चीज़ का अनुभव है और जन समर्थन हमेशा हमारा साथ रहा है और अभी भी रहेगा। आपने दो चुनाव की बात करी तो आपके जो हस्बैंड हैं सुशील तिवारी, ये दो बार कांग्रेस से चुनाव लड़े लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा, तो इस बार किस मजबूती के साथ जाएंगे आप? कांग्रेस में गुटबाजी थी और हमें दोनों बार उसका सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और उसका संगठन बहुत मजबूत है, उसकी विकास नीतियाँ जनता स्वीकार करती है और इन्हीं सब कारणों से हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और सभी बड़ों के मार्गदर्शन में ये चुनाव जीतेंगे। बात करने लिए धन्यवाद। संगीता सुशील तिवारी का कहना ये है कि कांग्रेस में जब थी वो तो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी थी, अब क्योंकि भाजपा में आई हैं तो जीत की राह उनको आसान लगती है इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासन के साथ काम करती है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।